सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र और बिहार पुलिस में तनातनी का दौर लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से मना किए जाने के बाद अब बिहार सरकार ने एसएसके मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 5 अगस्त को हो सकती है। दरअसल बिहार पुलिस ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रिया चक्रवर्ती ने इसी केस के ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में मिसलेनियस फाइल की है। इसी मुकदमे में परिवादी बनने के लिए कुंदन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 5 अगस्त की डेट तय की है। कुंदन कुमार का आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को पूरी तरह से यूज करने के बाद उसे मौत को गले लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। आपने सबसे पहले जो है इस मामले में अपील की थी यहाँ के कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट लेकर बिहार के लाल सुशांत सिंह राजपूत का हमने सुना है कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो हमने सारे विषय का मनन किया पेपर के माध्यम से, मीडिया के न्यूज के माध्यम से। इसमें पूर्ण रूप में रिया चक्रवर्ती दोषी नजर आए। हमने मुजफ्फरपुर न्यायालय में केस किया, क्षेत्राधिकार को लेकर के केस खारिज किया गया। तत्पश्चात हम माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने का प्लान कर रहे थे, कोर्ट बंद हो गया लॉकडाउन के कारण। इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने अपना कोर्ट केस ट्रांसफर किया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने माननीय अधिवक्ता महोदय के माध्यम से इंटरवेंशन पिटीशन दर्ज कराया है ताकि मुझे भी अपना पक्ष उस केस में रखने का मौका मिले। कारण है कि रिया चक्रवर्ती निश्चित रूप से अपना प्रेम जाल, अपना माया जाल में सुशांत सिंह राजपूत को फंसा करके उनका शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण किया है। वैसे निष्कन्या को सजा मिलना चाहिए, इसीलिए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है पिटीशन दर्ज कराए। क्या डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट का पता तो कल सुनवाई है, कल पता चलेगा कोर्ट का क्या फैसला डिसीजन होता है, और न्यायालय का हर डिसीजन में मान्य है। ये सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में कुंदन कुमार एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पताही ग्राम के निवासी, उनके द्वारा एक कंप्लेंट फाइल किया गया था रिया चक्रवर्ती को स्पेसिफिक आरोपी करते हुए। इस आरोप के साथ रिया चक्रवर्ती के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत का आर्थिक, मानसिक, शारीरिक दोहन किया गया, और जब वह कामयाब हो गई पूर्ण रूप में शोषण करने में, तब वह उनको सुसाइड करने के लिए बहकाई, उकसाई, परिणाम स्वरूप सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा आत्महत्या किया गया था। बता दें कि मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट ने बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में दाखिल किए गए परिवाद पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। सीजीएम कोर्ट ने कहा कि ये मामला हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसी के साथ मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट में दाखिल किए गए दोनों परिवाद खारिज कर दिए, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर समेत 12 फिल्मी हस्तियों पर परिवाद दायर किया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष की रिपोर्ट।